बोलता है भाई, एक बात बोलता है, और जो व्यक्ति झूठा होता है इसकी बातें तो एक है ही नहीं। कल ये बोला, परसों ये बोला, आज ये बोल के गया, एक सी बात ही नहीं है, सच नहीं बोलता ये। तो परिभाषा क्या है सच और झूठ की? सच माने जो एक है, हमेशा एक है, और झूठ का मतलब जो एक है ही नहीं। तो शरीर सच है, एक सा है। बचपन में शरीर कैसा था, व्हाट्सएप पे दिखा रहे थे उस दिन कि एक शरीर कितना सुंदर बचपन में, डॉल बिल्कुल। धीरे धीरे शरीर उसका जवान हुआ तो थोड़ी शक्ल चेंज हुई, जवानी, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आई, बाल सफेद होने लगे, थोड़ा शरीर ऐसे होने लगा, उसके बाद बुढ़ापा आया तो झुर्रियां पड़ गई, सारे बाल श्वेत हो गए, सारी मुंह पर रिंकल्स आ गई, लटक गई इसके, और फिर बिल्कुल ऐसे मरणासन्न हालत में शरीर बिल्कुल कंकाल हो गया, जैसे बेड पे पड़ा है। बोला वो डॉल जो बचपन में डॉल थी कभी बहुत सुंदर, आज देखो शरीर कैसा हो गया। तो उसमें दिखा रहे थे ये है शरीर, कभी कैसे कभी कैसे। बंदे चरणों में आ, सतगुरु के चरणों में आ, बंदे चरणों में आ, सतगुरु के चरणों में आ, बंदे चरणों में आ, जिसका थाम लिया सतगुरु ने हाथ, पाई है उसने तो हर सौगात, जिसका थाम लिया सतगुरु ने हाथ, पाई है उसने तो हर सौगात, गुरु आसरा लेता है वो बंदा सुखी होता है वो, गुरु आसरा लेता है जो बंदा सुखी होता है वो, सच है झूठी खबर नहीं, गुरु चरणों जैसा घर नहीं, सच है झूठी खबर नहीं, गुरु चरणों जैसा घर नहीं, सतगुरु के नहीं, पन प्रेमी ज्ञानी नहीं, गुरु चरण
बंदे चरणों में आ, सतगुरु के चरणों में आ, बंदे चरणों में आ, सतगुरु के चरणों में आ। तो बोले जो दूल्हा चढ़ता है घोड़ी पर, वो अपनी शर्म लिहाज खत्म करके चढ़ता है। सवा घड़ी के वास्ते सजी उम्र तो लोगे, सवा घड़ी का सुख लेता है लेकिन सारी जिंदगी का बंधन अपने गले में बांध लेता है। तो ये समझ में नहीं आती बात, अगर सबको समझ में आ जाए तो कोई माया में जाएगी, लेकिन नहीं समझ में आती है तो सभी जाके देखते हैं। हम भी जाकर देखें, जाकर देखो, करो अपना अनुभव। जब तक न देखें अपने नैना तब तक न माने गुरु का कहना। जब तक तुमको अपने अनुभव से नई बात समझ में आएगी तो दूसरे के कहने से भी तुम कुछ करेंगे तो तुम्हारा मन अंदर से सोचता रहेगा। संभाल दो कभी वो बचने का, उसे संभाल दो कभी वो बचने का। Yeah.
इनको जग में डर काहे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो कभी भी तुमको रोना नहीं पड़ेगा माया में। एक बार ये बात समझ ली, कल भी एक बच्चा बात कर रहा था, मैं इतनी पढ़ाई करता हूं, इतना लर्न करता हूं, ट्यूटर भी लगा रखा है, नंबर कम आते हैं मेरे, कठिन लगता है वो विषय मेरे को। हमने कहा एक बार समझ लो, मास्टर से बैठकर एक बार समझ लो उस विषय को, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सारी बातों को टाइम देकर, टीचर का टाइम लेकर समझ लो, उसके बाद तुमको टफ नहीं लगेगा वो। हम लोग तो बचपन में यही करते थे, समझ लेते थे एक बार लेसन, मान लो हिंदी है इंग्लिश है, पूरा लेसन समझ लिया अच्छे से, दिमाग में फीट कर लिया, अब चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कोई बात आ जाए, ये समझ लिया ना एक बार तो उलझन नहीं हो रही है, कोई सा भी क्वेश्चन देना टफ नहीं लग रहा है। कई बार कोई क्वेश्चन उसमें लिखे होते हैं लेसन के नीचे, कई बार नहीं लिखे होते हैं, लेकिन जब हमने समझ लिया तो बात समझ में आ गई, उलझन खत्म हो गई। यहां भी ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि मेरा कौन है, यहां कौन है तेरा मुसाफिर, सब मुसाफिर हो, यहां कौन मेरा है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। बोला जिसको समझ रहा तू अपना, ये वो भी सब सपना, इसको समझते हो ना, ये तो मेरा है, चलो कोई मेरा नहीं है, भाई मेरा नहीं है, पता है भाभी का है, पता है बहू मेरी नहीं है, वो भी अपने मायके की है, पता है मित्र मेरा नहीं है, वो भी दूसरे मित्रों का है, पदार्थ मेरा नहीं है, फलाने का है, पर शरीर तो मेरा है, बड़ा इस पे एतबार है, ये तो मेरा है ना। बोला ये भी तेरा नहीं है, अभी अच्छे खासे सोते हो रात को, सुबह फीवर, अच्छे खासे सोए खाना खाके, सुबह उठे तो पेट में दर्द, सर में दर्द, कहीं दर्द हो रहा है पैर में, एड़ी में दुखन हो रही है,
अच्छे खासे तो सोए, तो शरीर पर ही हमारा कोई वश नहीं है, एतबार नहीं है, यकीन नहीं कर सकते। कई बार लोग टिकट कराते हैं कहीं की, पक्का चलूंगी, पक्का मेरी कंफर्म टिकट है, पक्का जाऊंगी इस बार, पता चला एक दिन पहले कैंसिल करा लीजिए। क्यों? शरीर खराब हो गया है, बुखार आ गया है, जाया ही नहीं जाएगा, कमजोरी आ गई है, सर में बहुत भारीपन हो रहा है, बीपी हाई हो गया मेरा। कई बार देखो सुनाई पड़ता है कि नहीं, किसी के टिकट है कंफर्म, फ्लाइट की टिकट है, ट्रेन की टिकट है, वे कैंसिल। क्यों कैंसिल? ये तुम्हारी टिकट है, कंफर्म सीट है, क्यों कैंसिल करा रहे हो? घर में कोई बीमार हो गया है तो एतबार है, शरीरों की गारंटी है, शरीरों की कोई गारंटी नहीं है। कैसे कह सकते हो ये शरीर मेरे है, ये मेरे वालों के शरीर है, या ये मेरा है? कोई मेरा नहीं है, एक परमात्मा के सिवाय कोई मेरा नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट जिस दिन क्लियर हो गया, अंदर से भ्रम जिस दिन ये शांत हो गया, ब्रह्म में आ गए, उस दिन शांति आ जाएगी। यहां पर जो कहते हो ना, यहां अशांति होती है, कल परसों भी कोई बात करके गया, बोला अंदर में बेचैनी होती है, कहीं बाहर से तो फिर भी नॉर्मल हूं, बाहर से फिर भी दुकान जाता हूं, जो भी मेरा बिजनेस है, कारोबार है, काम धंधे है, कर रहा हूं सर, अंदर में कहीं विक्षेपता बेचैनी रहती है। अब क्यों रहती है? मेरेपन के कारण। हमने कहा एक ही बात है, ममता से दुख है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। कहीं ममता बड़ी बलवान है अंदर, जकड़े हुए है तुमको। बोला उसने, बोला हाँ ममता है, बेटे में ममता है, बाहर है ना आजकल, मन जाता है बार बार, कहीं कुछ हो गया तो। किसी के भी बेटे की बात सुनता हूं ना, अपने वाले में मन जाता है। अब किसी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ बाइक से, भाई ऐसे हुआ, या किसी को फीवर आया, कोरोना हो गया, या किसी को तकलीफ हो गई विदेश में, या मान लो यहीं कहीं दूर देश में, दूर किसी शहर में, बोला अपने वाले बच्चे के लिए मन ऐसे धड़कता है। ये बच्चा हॉस्टल में है, पीजी में है, विदेश में है, ऐसे ऐसे धक 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 करता है, बड़ा बेचैन होता है। जबकि पता भी है बनी बनाई बन रही, ये भी मालूम है अब कछु बनना नहीं, पहले से शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है। एक तो ये भी बात पक्की रखो, पहले से शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है। अब जैसे घर बनाते हो ना, कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, पहले से नक्शा बना हुआ है, पहले से पूरा नक्शा पास कराते हो ना, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, फिर कैसे देखो मीटिंग में जाता है, बोर्ड मीटिंग, वहां पास होके आता है नक्शा, उसके बाद घर बनना शुरू होता है। तो शरीर की भी प्रारब्ध पहले से बनी हुई है, कब बीमारी आनी है, फिर कहां दिखाने जाना है, कौन से डॉक्टर से इलाज होना है या नहीं होना है, कहां कहां लेके जाना है शरीर को। उस दिन भी कोई बता रहा था कितने डॉक्टर्स बदल लिए, कहां कहां नहीं गए, आखिर कुछ हाथ ही नहीं आया, कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने, सब जगह रिपोर्ट्स भेजी, फॉरेन कंट्री में भी भेजी, बॉम्बे तक लेकर गए, हाथ कुछ नहीं आया। हमने कहा वो भी लिखा होगा, इतने डॉक्टर्स का हिसाब किताब होगा, इतने डॉक्टर्स का कर्जा लेके आए होंगे, इतने हॉस्पिटल्स में गए, शहरों में गए, खर्च किए, ये भी कोई हिसाब किताब लिखा होगा। और फिर शरीर को ऐसे जाना भी होगा, कर्ज सारा पूरा करके निपटा के जाना भी होगा शरीर को, ये भी लिखा पड़ा है। बोला पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, पर जब तक ये पक्का नहीं है ना, तो मन ना बांधे भीर। बोला ना आगे तुलसी, ऐसा जान के भी, मतलब जान भी रहे हो, सुन भी रहे हो रोज,
मन ना बांधे भी मन में धीरा जाता ही नहीं है, फिर मन ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। अभी जिनके घर में ऐसा हुआ है जाके देखना, बड़ी बेचैनी होगी, बड़ा उथल पुथल होगी, बड़ा सर ऐसे पटकेंगे पीटेंगे, क्यों हुआ, क्यों गया, ना जाता, दोस्त क्यों ले गए, उसके मन में क्यों ऐसा आया मैं जाऊं, घर में रहता, ना भेजते बाहर नौकरी के लिए, क्यों भेज दिया नौकरी के लिए हमने बाहर, क्यों उसको पढ़ाई के लिए विदेश भेजा हमने, ना ऐसी पढ़ाई करता ना नौकरी करता, घर में रहता, दुकान खुलवा देते उसको, आंखों के सामने तो रहता। तो जो घर में रहते हैं क्या उनका शरीर नहीं जाता कभी? जो आपके ही शहर में दुकान संभाल रहे हैं, अपने ही आंखों के सामने रहते हैं बच्चे, क्या उनको कुछ नहीं होता है? ये मन ऐसा है, मन ना बांधे भी, घर में कुछ होगा तो बाहर भेज देते, घर में ऐसा हो गया, घर में ऐसा संकट आ गया, किसी के ऊपर बिजली गिर गई, किसी के ऊपर पेड़ गिर गया, किसी के ऊपर छत गिर गई, घर में ना होते तो छत ना गिरती, घर में ऐसा हो गया, भला घर में रखा हमने, तो देखो मन में चैन नहीं है। अब जिनके बच्चे विदेश में हैं, बाहर हैं नौकरी पर, वहां कुछ हो गया, भला बाहर भेजा हमने, तो मन को चैन है। एक का बच्चा कई सालों के बाद हुआ, हम लोग के सामने की बात है, सिहारा में रहते थे हम लोग, पड़ोस के घर में, कई सालों के बाद तो बच्चा हुआ उनको, इतने लाड़ प्यार से पाला उसको, इतना गोद में हर समय रखकर बहुत प्यार से परवरिश की, आखिर आर्मी में उसका एडमिशन भी हुआ, आर्मी में भेजा, उसका दिन था मैं आर्मी में जाऊं, देश की सेवा करूं, माता पिता ने बोला चलो कोई बात नहीं है, भेजा किसी तरह से भेजा उसको। और वहां कहते हैं सारी उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, अभी उसका नंबर आने ही वाला था किसी अच्छी पोस्ट के लिए, मैं से खाना खा के अपने हॉस्टल में आ रहा था वो, अब मैं सामने है और हॉस्टल ऐसे है सामने, सड़क क्रॉस कर रहा है वहीं पर आर्मी एरिया, वहीं सड़क क्रॉस कर रहा है, ऐसी गाड़ी ने आके टक्कर मारी, और वहीं कहते गड्ढा था क्या था, सीधे अंदर गया, खत्म, वहीं खत्म हो गया वो, पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, जरा सी चोटी तो लगी, अब शायद वो दिमाग पे लगी होगी, ये सर के बल गिरा, औंधे मुंह गिरा, और वहीं खत्म हो गया। माँ बाप तो पागल हो गए बिल्कुल जब खबर आई वो, एक एक बेटा क्यों भेजा हमने, हमने तो इसलिए भेजा, इसका दिल था, क्यों भेजा, क्यों भेजा, पागल हो गए वो। ये मन भी ऐसे बोलता है ना, क्यों किया, क्यों किया, नाहक धोया, ये बात सुनिए, नाहक धोया। मछुआरा जाता था रोज मछली पकड़ने के लिए, जाल लेकर जाता था, एक दिन जाल डाला तो जाल बड़ा भारी सा निकला, बोला क्या है जाल में, देखा बहुत सुंदर सुंदर चमकीले पत्थर है, लाल पत्थर जैसे बड़े चमकीले, उसको लगा कुछ कीमती पत्थर है ये जरूर, आज कुछ निकला है समुद्र में से, अब देखा उसमें मट्टी लगी है, बालू लगी है, बोला धो लेता हूं, मैं घर लेके जाऊंगा, पत्नी को दिखाऊंगा, धो के तो लेके जाऊं, गंदे कैसे लेके जाऊं। अब उसने धोने के लिए जाल फिर डाल दिया समुद्र में, ऐसे निकालूंगा धो के, फिर पत्नी को दिखाऊंगा, देख मैं लेकर आया हूं। अब जैसे ही उसने जाल डाला सारे पत्थर निकल गए, अब जब उसने बाहर निकाला जाल तो खाली, पागल हो गया वो, क्यों धोया, क्यों धोया, ना धोता, क्यों धोया, पागल हो गया। पत्नी आई दोपहर को, भी क्या बात है, खाने के लिए घर नहीं आया आज, क्या हो गया, बोला क्यों धोया, क्यों धोया, अरे क्या बात हो गई, सारी बात सुनाई, ऐसे पत्थर आए थे धोने के लिए डाले, निकल गए सब, बह गए, वो भी बोलने लगी घर लाके धोता, घर लाके धोता, घर लाके धो लेता, पागल हो गई। अब पुत्र आया शाम को, भी क्या बात है, माता पिता इतना चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्या बात है, एक सा सुन,
घर लाके धोता। वो बोले क्यों धोया, ये क्या बात हो गई, सारी बात सुनाई उसको भी ऐसा ऐसा हुआ। वो भी पागल बालू सूदा ले आता। अगर जो बालू लगी थी, मट्टी लगी थी लत पर, ऐसे ही ले आते, इतनी क्या जल्दी थी धोने की। तीनों पागल हो गए। संत गुजर रहा था, बोला क्या हो गया भाई, सारी व्यथा उनको भी सुनाई संत को। संत ने बोला अभी तो माया ने दूर से दर्शन दिए थे तुमको, तो तुम तीनों पागल हो गए। अगर माया मिल जाती क्या होता, अभी तो दूर से दर्शन हुए तो पागल हो गए। ये माया है, माया मतलब ये शरीर भी माया। आप देखो तो किसी की केवल सगाई होती है, मान लो रिश्ता टूट जाए या मान लो लड़के को कुछ हो जाए। अभी उस दिन किसी ने घटना सुनाई, शादी होने वाली थी, लड़के का शरीर शांत हो गया, लड़की पागल हो गई है, जबकि शादी भी नहीं हुई अभी तो शादी भी नहीं हुई है, सगाई हुई थी केवल, शादी होने वाली थी, अंदर अटैच हो गए ना, मेरा मान लिया ना, मेरा पति, जबकि होने वाला पति अभी तो मिला भी नहीं है, लेकिन मन ने मान लिया मेरा, वही दुख अंदर में, इतना दुख, इतनी पागल। तो ये बातें, अभी तो माया मिली भी नहीं, अभी तो शरीर मिला भी नहीं, अभी से सोच सोच के पागल हो जाते हैं ना। तो क्यों धोया, घर लाके धोता, मतलब इतने ख्याल चलेंगे आपके अंदर। जिनके घर में भी ऐसा हुआ पूछना, इतने ख्याल चल रहे होंगे इस समय, इतने ख्याल होंगे कि ना नींद आई होगी रात को, ना भूख लगी होगी, और इतनी बेचैनी होगी मन के अंदर, ढेरों ख्याल, क्यों भेजा, ना जाता, ये भगवान तुमने क्या किया, तेरे लिए आ रहा था वो। भगवान को भी कोसने से छोड़ेंगे नहीं, भगवान तेरे लिए आ रहा था, तूने ऐसा किया, अन्याय किया, नाइंसाफी की, ठीक नहीं किया, कितने ख्याल। तो ये तभी बोला, हे अर्जुन, ये ज्ञान ज्योति की बहुत आवश्यकता है, हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की आवश्यकता है। जैसे घर में प्रकाश करते हो ना, कोई भी काम करने से पहले घर में रोशनी करते हो, किचन में जाने से पहले लाइट जलाते हो, कमरे में आने से पहले लाइट ऑन करो, सांझ होने से पहले दीपक जलाओ, नहीं रात को कैसे सबके दिए जल जाते हैं, लाइट जल जाती है, कीड़ा ना आ जाए, सांप ना आ जाए, बरसात है भाई, लाइट जलाओ। रोशनी करते हो तो बोला जीवन में रोशनी है, अंधेरा आने से पहले, अंधेरा हो रहा है देख भी रहे हो, घर घर में अंधेरा हो रहा है ना, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, किसी का धन गया, किसी की दुकान गई, किसी का मकान बिक गया, देख रहे हो ना, अंधेरा होने से पहले लाइट जलाई, वहां तो लाइट जलाओगे, अरे लाइट जलाओ, अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं जलाई अभी तक, अंधेरे में बैठी हो, पागल हो, अरे लाइट जलाओ, वहां तो लाइट जलाते हो सांझ होने से पहले, और जीवन में हृदय में लाइट जलाते हो, यहां भी सांझ होने वाली है। सांझ का मतलब क्या है, सब ढलने वाला, कहते भी ये शरीर अब ढला जा रहा है, बोलते हैं कि नहीं, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब शरीर भी ना साथ छोड़ रहा है धीरे धीरे, अब सांस फूलने लगी है मेरी, अब मैं चल नहीं पाती हूँ, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती हूँ, पहले एक ही सांस में चढ़ लेती थी, सुई धागा में ऐसे कढ़ाई सिलाई करती थी सुई धागे से, अभी तो धागा नहीं डाल पाती हूँ, काम ही नहीं होता।